भी आप यहाँ? अच्छा, बाबू ने अपनी आईपीएस बहू को मेरा पीछा करने की ड्यूटी पे लगाया हुआ है। ये बाइक तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाइक के बारे में पूछने का तो बहाना है, आप मेरा पीछा कर रही थी ना भाभी? नहीं मोहित। अच्छा, तो ये संध्या का देवर मोहित है। देखो वो बात नहीं, ये वो क्या कर रही है? आप कौन सा नया तरीका ढूंढा है मुझे सूली पे चढ़ाने का, बताना। ऐसे तो निकाल दिया लेकिन बाहर भी चैन से जीने नहीं दोगे आप लोग मुझे। जहां जाता हूँ घर से कोई ना कोई मेरे पीछे आ जाता है। सही कह रहे हो। संध्या तुम्हारा ही पीछा कर रही थी, पर तुम्हारी भाभी की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से कर रही थी। और वो इसलिए क्योंकि जिस बाइक को तुम चला रहे हो वो एक चोरी की बाइक। चोरी की है? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, ये बाइक मेरी है, वो चोरी की नहीं है। आप ना इस तरह मुझे फंसा नहीं सकते, पुलिस में होने का फायदा मत उठाओ आप। संध्या, ये वही तुम्हारी साड़ी का लटकन है ना जो तुमने मुझे अभी फोन पे बताया था? इसका सीरियल नंबर भी वही है जो चोरी की बाइक का था। क्या बकवास लगा के रखी आप लोगों ने? मैंने बोला ना ये बाइक मेरी है, समझ में नहीं आता आपको? क्या कर रहे हो आप? बाइक पे स्क्रैच आ जाएगा। स्क्रैच आ जाएगा संध्या, बाइक को रीपेंट कर दिया गया ताकि पहचान में ना आ सके। मोहित, तुम्हें अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, जहां तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाए और मेरे हर सवाल का जवाब तुम दोगे। फिलहाल इतना समझ लो कि तुम एक चोरी की बाइक चलाओ, समझे? कम ऑन। सूरज जी को बुलाना होगा। अभी यहाँ कोई प्रसाद पट रहे हैं जो आपने सबको बुला लिए? मोहित छात्र, भैया बोल बोल के थक गया हूँ इन्हें मैं, कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मानने को तैयार ही नहीं हो रहे ये लोग। सूरज जी, मोहित भैया विक्रम भैया के दोस्त की वही बाइक चला रहे थे जिसकी रिपोर्ट हमने लिखवाई थी। उस बाइक के नंबर प्लेट पर मेरी साड़ी का लटका लटका हुआ था, आपको याद है ना उस दिन सूरज जी? उसने रात को जब मैं उस बाइक के पास खड़ी थी तो मेरा ये साड़ी का पल्लू अटक गया था वहां पे, तब आप ही ने उसे निकाला था। इनकी बाइक पर भी
मेरी साड़ी का वही लटकन देखा है मैंने। बस कीजिए भाई। चोर मैं हूँ, निकम्मा मैं हूँ, और कोई इल्जाम बचा तो वो भी लगा दो मेरे ऊपर। घर से तो निकाल दिए, बाहर तो चैन से जीने दो। पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो बाइक है ना, ये मेरे भाई ने दी, मेरे भाई ने। मोहित, अच्छा चलिए बता कि वो तेरे भाई ने ये बाइक ली कहाँ से? मुझे कैसे पता होगा भैया, मुझे जरूरत थी, उन्होंने मुझे दे दी। और मैं अब ये थोड़ी ना पूछूंगा उनसे कि कहाँ से लाए हो, किससे लाए हो। मोहित भैया, मैंने खुद आपको 3 से 4 बार इन दिनों में देखा, जब से आप घर से गए। मैंने हर बार आपको नई बाइक पर ही देखा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब यह है कि 1 से ज्यादा बाइक रखना अपराध है। मेरा भाई पैसे वाला है, बाइक का शौकीन है, जब बाइक नहीं आती है वो ले लेता है। एक मिनट, आप लोगों को मेरी तरक्की से जलन हो रही है ना? देखा नहीं जा रहा ना ये सब में? तभी ये प्लान बनाया मुझे फंसाने का। अच्छा फायदा उठा रही है पुलिस में भर्ती होने का। बकवास बंद करो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, समझे? और ये केस मेरे अंडर है, संध्या का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम यहां पर इसलिए हो क्योंकि तुम एक चोरी की हुई बाइक के साथ पकड़े गए, समझे? इसलिए अपने जहन से ये बात निकाल दो, तुम्हारे खिलाफ कोई दुश्मनी निकाल रहा है। जाकिर जी, थोड़ा बचपन है इसमें, मैं बात करता हूं इसे, ये पुलिस को पूरा सहयोग देगा। मोहित? नहीं सूरज जी, कानून की नजर में एक अपराधी किसी का भाई, बेटा या भतीजा नहीं होता। मोहित एक चोरी की हुई बाइक के साथ पकड़ा गया, अब इसके साथ जो पूछताछ होगी वो कानूनी तौर पर मैं करूंगा। भाई के कागज कहाँ? मेरे पास नहीं है, भाई के पास होंगे घर पे। अरे फिर उसको उसको फोन करना, बुलाओ उसको यहाँ पे, उसको बोल के कागज लेके आए। बुला, अभी फोन करता हूँ, और देखना अभी दौड़ा चलाएगा मेरा भाई मेरे लिए, और साबित हो जाएगा कि मुझे फंसाया जा रहा है। और हाँ, याद रखना आप लोग, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं आप लोग। पढ़ा लिखा हूं, अपने अधिकार जानता हूं, ऐसे निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए ना माफी मंगाऊंगा आपसे, वो भी लिखित में। हाँ भैया, मोहित बोल रहा हूँ। हाँ मोहित बोलना, पहुंचा दी ना बाइक तूने दिए हुए पते पर? बस वही करने जा रहा था, रास्ते में ये पुलिस ने पकड़ लिया, ये लोग बोल रहे हैं कि बाइक चोरी की है। आप एक काम कीजिए ना, वो पेपर्स लेके आ जाइए ना पुलिस स्टेशन, ताकि इन्हें पता चल जाए इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हेलो भैया, सुन रहे हैं ना? तू चिंता मत कर, मैं अभी सारे पेपर लेके पहुंचता हूँ। हाँ भैया जल्दी आ जाइए। देखा, अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे भैया, और आप लोग तैयार हो जाइए लिखित में माफी मांगने के लिए। ये पुलिस की गुंडागर्दी ना चलने नहीं वाली आपकी, देखते हैं कौन किससे माफी मांगता है। लेकिन तब तक अपने इस भैया का नंबर और एड्रेस लिखो। कोहली सर, रजिस्टर लाओ। देखो,
खोद के निकालो इसकी जन्म कुंडली। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।